वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट कल हमने कार्बन कंपाउंड का चैप्टर शुरू किया था। कार्बन कंपाउंड में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग रीडिंग की थी। कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, आज हम फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल करेंगे थ्रू द कोवलेंट बॉन्डिंग। तो देखिए स्टूडेंट, कार्बोनेट्स कंपाउंड में सबसे पहले हमने कल किया था कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल करेंगे। सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखिए H2 दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक है, H2 किसकी फॉर्मेशन से बनता है, H और H। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगी, यानी कि K में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट अब ये जो है क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये शेयरिंग होगी, अगर देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो यहाँ पर बनता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सिंगल बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगा। अगर स्टूडेंट देखिए सेकंड हमारे पास आता है O2, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, एटॉमिक नंबर क्या होगा ऑक्सीजन का, 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2-6 कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था कि हर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तभी इसके 2, 4, 6 और 2, 8 कंप्लीट हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की। स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, आपके पास 6 है वैलेंस शेल में, आपको 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तभी होंगे 6 को 8 में से माइनस कर दो 6, 2, तो आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करने होंगे। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या फॉर्म बनेगा, क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या किया हमने, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन में जो है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना था, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2-6, कॉन्फ़िगरेशन 2-6 में, तो क्या करना है आपने, 6 से आपको पता चलता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो ये सिर्फ शेयरिंग क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही शेयरिंग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, और जो शेयरिंग जो करते हैं एटम उससे क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। समझ में आ गया। अब थर्ड देखिए स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास आता है एन टू, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है ना, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी नाइट्रोजन की, 2-5। अब देखो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि 5 है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन में टोटल कितना है, 5 है, तो ये यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, N(NN) फॉर्म हुआ। समझ में आया सबको, क्लियर हुआ कि आपको लास्ट वैलेंस शेल से पता चल जाएगा कि इसको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग होगी, और शेयरिंग करके हर कोई अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट कर
इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट आप लिखिए यहाँ पर CH4 जिसको हम मिथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथेन। अब देखो स्टूडेंट कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2, 4। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 होता है। अब देखिए कार्बन जो है वो सराउंडेड है 4 हाइड्रोजन से, तो आप कार्बन को सेंटर में लेंगे और इसको हाइड्रोजन को सराउंडेड यहाँ पर करवा देंगे ऐसे। अब देखो स्टूडेंट कार्बन के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो इसको मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने स्टेबल होने के लिए। और हर एक हाइड्रोजन के पास कितना है? 1-1 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है और सबने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया। सबने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो कार्बन का हो गया 8 जो है कंप्लीट। और हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करता है, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और कार्बन के जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो शेयरिंग हुई वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई और मतलब ये हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है पार्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है? वोटर। क्या आता है? वोटर H2O। अब ऑक्सीजन का पता है आपको एटोमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो कॉन्फिग्रेशन क्या होगी? 2-6। कॉन्फिग्रेशन क्या होगी? 2-6। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। अब ऑक्सीजन का जो है 6 होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 है। तो देखिए स्टूडेंट 6 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और हाइड्रोजन से हमेशा ध्यान रखना 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयर करेगा और 1 इस साइड। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन के अपने 6-8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीट हुए और हाइड्रोजन के इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीट हो गए, मतलब कि इसने अपने ऑक्टेट को क्या किया? कम्प्लीट कर। ठीक है, क्या कम्प्लीट हुई? ऑक्टेट जो है कम्प्लीट हो जाए। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? और एग्जांपल देख लीजिए, NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 होता है, कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2-5। कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2-5। हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 1 होगा। अब नाइट्रोजन जो है वैलेंस शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन है, मतलब 1-1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तीनों हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप 3 इसकी शेयरिंग करेंगे, यहाँ पर शेयरिंग होगी और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने बचे हुए हैं, 5 हो गए ना टोटल, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए इसके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो जाएंगे, यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो जाएंगे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो जाएंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कम्प्लीट हो जाएंगे और ये किसकी फॉर्मेशन होगी? अमोनिया जो है वो फॉर्म हो जाएगा थ्रू द कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक एग्जांपल और देख लें स्टूडेंट, CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 में देखिए स्टूडेंट कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है आपको पता है 6 होता है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2-4। ऑक्सीजन 2-6। हमेशा 1 है उसको सेंटर में लेना है और जो ज्यादा है उसको सराउंडिंग में लेना है, तो इसके पास 6 है। कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 कंप्लीट करने हैं, इसका मतलब ये अपने 2 इधर शेयर करेगा और 2 इधर, चारों के चारों शेयर करने होंगे तभी इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएंगे? कंप्लीट हो पाएंगे। अब देखो कार्बन की जो है 2, 4, 6 और 8 कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी 8 कंप्लीट हुआ, इस ऑक्सीजन का भी क्या हुआ? 8 कंप्लीट हो गया, सभी के 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये सभी का ऑक्टेट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, उसके बाद हम जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। गॉट इट स्टूडेंट?